नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 9 सितंबर दिन गुरुवार, मैं आपके साथ जयंतिका त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सितंबर में यूपी के दो शहरों का दौरा, अलीगढ़ और लखनऊ को देंगे तोहफा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर सीएम योगी बोले, हर क्षेत्र में पारंगत होने के साथ राष्ट्र के लिए समर्पित थे भारतेंदु जी। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे बाराबंकी, पीएम मोदी पर बोला हमला, साथ ही उठाया मस्जिद का मुद्दा। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक, हैकर्स ने डाली आपत्तिजनक पोस्ट, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में 5 अक्टूबर तक पुलिस ने लागू की धारा 144, त्योहार और किसान आंदोलन को देखते हुए लिया गया फैसला। ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर अब यूपी की ओर रुख कर रहे हैं। सितंबर में दो बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे। अलीगढ़ में उनका दौरा 14 सितंबर को है, जबकि लखनऊ में वो एक दिन के दौरे पर 26 सितंबर को रहेंगे। कोरोना काल में लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ आएंगे और लोधा क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर और मूसेपुर गांव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के साथ ही धनीपुर हवाई पट्टी का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद जल्द ही लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट का नामकरण भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा। करीब एक हफ्ते तक अलीगढ़ में लगातार वीआईपीओ का जमावड़ा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार भी लंबे समय बाद पीएम मोदी के यूपी में आगमन को देखते हुए उनके दौरे को बेहद यादगार बनाने के प्रयास में लग गई है। करीब 6 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिंदी के विख्यात लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र को उनकी जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में आज सीएम योगी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक पक्ष को लेकर चल पाता है। भारतेंदु जी हर क्षेत्र में पूर्ण पारंगत होने के साथ ही राष्ट्र के लिए समर्पित थे। जो अच्छा लेखक होता है वो अच्छा वक्ता नहीं हो पाता, अच्छा वक्ता होता है वो अच्छा लेखक नहीं हो पाता है, या कोई अच्छा कलाकार है तो अच्छा वक्ता या अच्छा लेखक कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा पत्रकार होना या अच्छा नाटककार होना, और इन सभी क्षेत्रों में पारंगत होने के बावजूद राष्ट्रभक्ति की भावना, अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा के प्रति एक अनुपम लगाव हो, वह भाव भी हो, उसके अंदर फूट फूट करके भरा हो, ये दुर्लभ ही देखने को मिलता है। और भारतीय तो हरिश्चंद्र जी इन सभी विधाओं में पारंगत थे, और इसीलिए भारत के हिंदी के, आधुनिक हिंदी के एक पूरा युग उनके नाम पर है, जिसे भारतेंदु युग के नाम पे जाना जाता है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने बाराबंकी में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने कातिलों से कभी समझौता नहीं किया। इस मुल्क में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश में सेकुलरिज्म को खत्म करके इसे हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। 2014 के बाद से दलित और मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है। ये लोग वीडियो बनाकर मुस्लिमों को ये संदेश देते हैं कि हम ताकत में आ गए हैं। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मस्जिद का भी मुद्दा उठाया, कहा कि बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया गया क्योंकि योगी को हटाने की चर्चा चल रही थी।
तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए 100 साल पुराने मस्जिद को शहीद कर दिया। 17-20 को उस वक्त के SDM जो अभी प्रमोशन पर CDO बन चुके हैं, उन्होंने मार्च से लोगों को, आवाम को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया। करीब 50-60 लोगों पर मुकदमा आयद किया, जेल को भिजाया, NSA लगाया और फिर मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ताईद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। उस वक्त दिल्ली में यह खबर चल रही थी कि शायद योगी को हटाया जाएगा, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को बाराबंकी की, जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके बारे में? किसने मीडिया के सामने जाकर, आवाम के दरमियान में जाकर कहा कि यह मस्जिद है, इसको शहीद नहीं करना चाहिए था? कौन आवाज उठाया? क्या ये BSP सपा के लोगों ने आवाज उठाई? क्या उन्होंने कहा कि हम चलेंगे, चलकर मस्जिद को आबाद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 100 साल पुरानी मस्जिद को SDM ने कहकर कह दिया कि इलीगल स्ट्रक्चर है, गैर कानूनी तौर पर इसको बनाया गया। और SDM को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है, वक्त का यूजर भी वक्त हो जाता है। 100 साल पुरानी मस्जिद को SDM ने तोड़ दिया बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई कोर्ट के आर्डर के, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आर्डर था कि कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, लोगों की लाशें पानी पर तीर रही थी, गंगा पर कुत्ते लाशों को लोच कर खा रहे थे। योगी और मोदी के सरकार में इंसानियत अपनी सांसें तोड़ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने की बुनियाद। यूपी विधानसभा की वेबसाइट को हैक किया गया है। हैकर्स ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट को हैक किया, बल्कि वेबसाइट पर आपत्तिजनक पोस्ट भी डाली। इस मामले में वेबसाइट का संचालन करने वाली प्रदेश सरकार की संस्था यूपी डेस्को ने साइबर थाना लखनऊ में केस दर्ज किया है। विधानसभा की वेबसाइट हैक करने के बाद हैकर्स ने आपत्तिजनक पोस्ट भी डाली। लगातार हैक हो रही सरकारी वेबसाइटों से अब ऑनलाइन कार्य प्रक्रिया की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में साइबर थाने की टीम हैकरों की तलाश में जुट गई है। इससे पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक कर सैकड़ों फर्जी वोटर आईडी बनाने का मामला सामने आया था, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की ओर से आदेश जारी किया गया कि सितंबर से अक्टूबर महीने में होने वाले त्योहारों और किसान आंदोलन के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की जा रही है। वहीं इस दौरान विधानसभा भवन के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी लाने पर रोक रहेगी। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने धारा 144 लागू करने के पीछे कानून व्यवस्था बनाए रखने की दलीलें दी हैं। वहीं कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी शुक्रवार को लखनऊ पहुंच रही हैं। तो इससे पहले धारा 144 लागू करने को लेकर राजनीतिक कारण भी माने जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।